हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे पास एक कमेंट आया कि सर हम स्पोर्ट्स के टीचर कैसे बन सकते हैं, प्लीज़ के बारे में बताइए। आप जानते हैं बहुत स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाएं, नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन वो नहीं बन पाते क्योंकि कोई ना कोई सोर्सेज नहीं मिल पाती। तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर आप खेल में या आप किसी भी फिजिकल फील्ड में अपनी नाम बनाना चाहते हैं तो आप सरकारी टीचर बन सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिजिकल एजुकेशन के। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आई एम ए लेक्चर और आपको करियर ओरिएंटेड वीडियोज यहाँ पर लगातार मिलती रहती हैं, और एग्जाम टिप्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू माई चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं एक फिजिकल PTI। जी हाँ दोस्तों, ये इंस्ट्रक्चर जो होता है आपका फिजिकल टीचर्स जिसे हम कहते हैं, हर सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, मिनिमम एक या दो तीन फिजिकल टीचर की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें PTI बोलते हैं। गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसीज भी निकलती हैं और बहुत कम कंपटीशन के साथ आप किसी भी जॉब को पा सकते हो। अगर आप किसी भी खेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा जिससे कि आपका फिजिकल एजुकेशन के टीचर आप बन पाएँ। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आप 12th किसी भी स्ट्रीम से किए हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं फिजिकल, तो आपके पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे नंबर एक, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। ये सर्टिफिकेट एरोबिक्स का हो गया, योगा साइंस हो गया, और नेचुरोपैथी का हो गया, या फिर इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो डिप्लोमास आप लेने के बाद, एक डिप्लोमा के बाद टीचर बन जाते हो। लेकिन इनसे आप एक कंप्लीट गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाओगे, प्राइवेट सेक्टर में इसकी नीड्स होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे सरकारी स्कूल का या गवर्नमेंट जॉब पानी है मुझे फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा या तो आपके पास तीन ऑप्शन बहुत बड़े हैं, या तो आप BA योगा कर सकते हैं, BA फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको करना पड़ेगा BA 12th के बाद, और BA में फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, योगा साइंस। इसे लेने के बाद आप 3 साल का ये रहेगा डिग्री, उसके बाद आप ग्रेजुएशन बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर वैकेंसी निकले तो, नहीं तो उसके बाद आप BPED भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे BED होता है वैसे ही बैचलर ऑफ BPED फिजिकल एजुकेशन होता है। अगर आप इसे 12th के बाद करते हैं तो ये आपको पड़ेगा दोस्त 4 साल का, लेकिन अगर आप BA प्लस BPED करते हैं तो ये पड़ेगा आपको 3+2 5 साल का। तो आप सोचें कि अगर आप BA के बाद BPED करते हैं तो 5 साल लगेंगे, अगर आप इंटर के बाद BPED करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स BA प्लस BPED तो आपको 4 साल लगेंगे। अब आप उसके बाद गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। जो बच्चे और आगे जाना चाहते हैं उसके लिए MPED भी होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसे लेने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में और ज़्यादा पॉइंट्स मिल पाएंगे जॉब के लिए। लेकिन यहीं पे मैं आपको रोक के एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पहले तो आपके पास कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक स्पोर्ट्समैन होने चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो ये मैटर नहीं करता, आप एथलेटिक्स के हैं, आप क्रिकेट के हैं, आप जूडो के हैं, आप बास्केटबॉल के हैं, कोई भी आप प्लेयर होने चाहिए। अगर आप प्लेयर हैं, आप इसमें लाइन बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आज ही इनमें से कोई कोर्स 12th के बाद कर लीजिए। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद BPED कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, योगा में बहुत स्कोप आ रहा है। योगा में अगर आप MSc कर लेते हो योगा से, या आप MA कर लेते हो, या आप BA कर लेते हो योगा से, तो उसका बहुत ज़्यादा आगे जाने, सरकारी कॉलेजों में एक एक योगा टीचर भी रखने वाली है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो बनना चाहते हैं गवर्नमेंट BPED टीचर, तो उनको ये कोर्स ज़रूर करना पड़ेगा। ध्यान रहे, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 2 साल वाला कोर्स करेंगे, और जो 12th की बात करना चाहते हैं वो 4 साल वाला कोर्स करेंगे। साथ में आपके पास एक स्पोर्ट्स की कोई ट्रिक होनी चाहिए। आज जैसे धोनी के लिए भी, धोनी को भी किसने पहचाना था, उनके गुरु ने, केशव रंजन जी जो उनके कोच थे, उन्होंने पहचाना कि इसके अंदर क्रिकेट का टैलेंट है, कीपिंग का टैलेंट है, वरना वो तो फुटबॉल खेलते थे। तो आप देखिए आज वो कहाँ पहुँचे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोच भी आप बड़े कोच बन सकते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, किसी मल्टीनेशनल प्लेयर के कोच बन सकते हो आप, और प्रैक्टिस भी करा सकते हो और अपना सेंटर भी खोल सकते हो, गवर्नमेंट टीचर ही बन सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कैसा लगा मुझे मेरे वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा।